शिमरो होली यजीद बन के रचा सकेंगे न कोई साजिश। शिमरो होली
रचा सकेंगे न कोई साजिश के आले बातें के आशिना को जला गया है अली का बेटा। मकता है जो हक की खातर कटाए दूंगा उसी को हसर तमाम होगा, जो हक की खातर कटाए दूंगा उसी को हसर तमाम होगा, ये राज खबरों जहां उसे ये बता गया है अली का बेटा। और हमें अपनी निस्बत पर और अपने अकीदे पर फख्र है, और इस बज़्म में ज़िक्र हुसैन में इब्तिदाअ दुआ करता हूँ और आपको इस दुआ में शामिल और शरीक करना चाहता हूँ कि अल्लाह इसी अकीदे पर रखे, इसी के हाथों में खैर फरमाए और कल कयामत वाले दिन इसी के सीधे के सारे में अल्लाह ताला हमारा हशर इमाम हुसैन के कदमों में होगा। ये भी ख्याल रहे कि किसी के ये जहन पे बात ना आए कि
शायद नबी पाक के सहाबा का जिक्र होगा तो आले बैत परेशान होंगे, ना जिक्र सहाबा से आले बैत की तबीयत पर हो जाता है और ना ही जिक्र आले बैत से सहाबा की तबीयत पर हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह ने उनको रुहमा व बैनहुम की सनद अदा फरमा दी है, जिनकी तबीयतों में हो जाए उनका उनके साथ कोई तल्लुक नहीं है। मैं एक जुमला अदा करता हूँ कि ये इमाम सुयूती ने भी लिखा खसाइस में, दीगर मदरसों ने भी लिखा, सहाबा कहते हैं कि कुम ना महा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लेल वन नहार, हम रसूलुल्लाह के साथ दिन की रोशनी में भी रहे, चांद की चांदनी में भी रहे, लम यकुतहु ज़िल्लुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का साया तो न था मगर पूरी जिंदगी जो साये की तरह मेरे उस कफा के साथ रहा उसको ताज नारे सदाकत सिद्दीक अकबर कहा जाता। वो हुजूर के साथ उठने में साथ, चलने में साथ, बैठने में साथ, फिरने में साथ, खाने में साथ, पीने में साथ, मक्का में साथ, मदीने में साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, निशस्त में साथ, बर्खास्त में साथ, मकान में साथ, मैदान में साथ, ओद में साथ, बदर में साथ, खैबर में साथ, खंदक में साथ, मदाक में साथ, खतीब में साथ, मकाम इब्राहिम में साथ, सफा में साथ, मरवा में साथ, अरफात में साथ, मिना में साथ, मुज़दलिफा में साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, जबल नूर में साथ, आरे सौर में साथ और आर में भी साथ है, कयामत और मुस्तफा के मजार में भी साथ। और मैं अगर बात ये करूं, ये ज़हन शीत और जो होनी चाहिए ये बात, हमें तो आले बैत अतहार के फ़ज़ाइल की जितनी रवायात की है, मैं सादात खानदान से ताल्लुक रखकर इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की औलाद से होकर तुम्हें उसमें हुसैन में अजमत हुसैन की कसम उठा कर तुम्हें बता रहा हूँ, आले बैत अतहार की इज्जत मकाम शर्फ मरतबा तहारत पाकीज़गी उनकी शान चौकत और फजीलत की रवायात जितनी भी आई है, ना मैंने अपने कानों से जोर से सुनी, ना आपने सुनी, ना आपने सुनी, ना आपने सुनी है। ये बयान करने वाला है कोई सिद्दीक अकबर है, कोई फारूक आजम है, कोई उस्मान गनी है, कोई उम्र मोमिनी आयशा सिद्दीका है, कोई जनाब हफ्सा है, कोई बयान करने वाले अबू हुरैरा है, कोई तलहा है, कोई जुबैर है, कोई शहीद है, कोई साद है, कोई ये सारे लजपाल हैं, कोई मुस्तफा के बिलाल हैं। मैं यही आपकी खिदमत में कहना चाहता हूँ, किसी से जरा भी कलंक हो, रंजिश हो, रंज हो, इख्तिलाफ हो, फिर भी उसके लिए कोई अच्छाई की कैफियत ना हो, वो बातें उम्मत तक पहुँचाई नहीं जाती, उनको छुपा दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। अगर मेरे आका के असहाब के दिल में, असहाब पैगंबर के दिल में, असहाब मुस्तफा के दिल में, नबी के यारों के दिल में, मुस्तफा के चंद निसारों के दिल में, मुहम्मद के वफादारों के दिल में, नबी पाक के इन गुलामों के दिल में, अगर आले बैत के बारे में कोई रंजिश होती, कोई कलंक होती,
समझ आ रही है बात क्या ना समझ प्यार से बोलिए जरा सुबह और मोहब्बत से बोलिए सुबह मैं ये भी बताऊं उसका सिद्दीक से कोई ताल्लुक नहीं जो जिक्र हुसैन से चले उसका सिद्दीक अकबर से कोई ताल्लुक नहीं है फारूक आजम से कोई ताल्लुक नहीं है उस्मान गनी से कोई ताल्लुक नहीं है असहाबे बाबा से कोई ताल्लुक नहीं है खुदा की तरफ की कसम उसी के दिल में इस्लाम की हया प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह अगर मांगे ना बैठा करें आशिक मांग के बैठा करें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखकर अरे मैं ना लिखूं वो तो सफर में लिखूंगा आप और कोई लिखे ये सफर में लिखेगा अगर नसीरे में लिखे ये सफर में लिखेंगे इमाम आले सुन्नत लिखे ये सफर में लिखेंगे ताजदार बोलना लिखे वो तो सफर में लिखेंगे मगर वाह अगर आसान करी अजमत को सलाम अब्दुल्ला बिन रवाह मुस्तफा की आगे देख रहे हैं नाक लिख रहे हैं हुजूर की अबरू देख रहे हैं नाक लिख रहे हैं जमीन देख रहे हैं नाक लिख रहे हैं मदीना देख रहे हैं लेब नाक लिख रहे हैं हराम का शर्म का सीना देख रहे हैं नाक लिख रहे हैं मेरे आका का औसत देख रहे हैं कलम बंद कर रहे हैं तो सफर में निकला और होता है दीदार में निकला जो मेरे आका के हुस्न के राबी पीटी वालों आज तो शायद दो लफ्ज भी बोलना सीख ले तो वो बड़ी बड़ी बातें कर ले एक दो दिन की खिदमत नहीं रसूलुल्लाह के इस बेटे की पिंडी में 65 साल की खिदमत है पूछो चबेल दाढ़ी वाले बुजुर्गों से जिन्होंने पूरी जिंदगी आले सुन्नत को दे दी है तो पूरी जिंदगी आज भी बिना नामा आज भी उन्होंने बुखारी पढ़ी है आज मगर फिर भी सबक का कदा नहीं होता हम तो चूंकि जिंदगी में कदर करते नहीं है ना और आज तो कोई बात बात की बाली बोली बोले वो अलग बात है पिंडी में अगर मरकज याद सुनकर गुलिस्तान में एली जामिया जिसने क्या जियाउल नूर ना होता तो शायद इज्जत मुस्तफा पर इस तरह पैरा ना होता अजमत रसूल पर इस तरह पैरा ना होता ना उसे रिसालत पर इस तरह पैरा ना होता मैं धक्के भी छोड़ के लेना चाहता हूँ अलैका नतना नतना हमार पहला नतना होगा तो आदमी इसने कहा
उसने ये कहा, पता गुलाम ने कहा, से अभी रसूल ने क्या कहा, फरमाया उसको खामोश हो, अपनी जुबान को लगाम दे और ना अगले अगले लफ्ज सुनो, फरमाया इन्ना हिमारा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो दिन आए ला हिमारा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतिया को री हम इन मिसके का, तो हुजूर की बात नहीं हो रही, सरकार के सरकार जिस्म वाला की बात नहीं हो रही, सरकार के सिद्दीक की बात नहीं हो रही, सरकार के फारूक की बात नहीं हो रही, सरकार के उस्मान की बात नहीं हो रही, सरकार के मुर्तजा की बात नहीं हो रही, सरकार के शहजादों की बात नहीं हो रही, मुस्तफा की जान की बात नहीं हो रही, मुस्तफा के घर वालों की बात नहीं हो रही, नबी के जानसारों की बात नहीं हो रही, जिस सवारी पर मेरे और तेरे आका बैठे थे उन्होंने सहाबी ने कहा पूरी उस सवारी की तौहीन की है, से जो है फूल आती है ये मुस्तफा की सवारी है। और अब्दुल्ला बिन रबा ने कहा, अब्दुल्ला बिन उबै तू नहीं सुन मुनाफिकीन है, सुन ले तेरे मुश्क अंबर कस्तूरी एक तरफ है, मुस्तफा की सवारी के मुंह से निकलने वाली ये समेल और भूख एक तरफ है, तेरी कस्तूरी के भी इसके आगे कोई ऐसी नहीं है, तेरे जनाब अंबर और खुशबू के भी इसके आगे कोई ऐसी इंसान नामी हो, अब मेरी जुमले वो इंसान नामी हो, वो इंसान नामी हो तो उसका सहाबा इतने हया करते हैं, अरे जिनको पाला ही मेरे मुस्तफा ने हो, इतना कहना चाहता हूं अपने आप को नस्बतों का ख्याल का हया करने वाले लोग, हर एक अपना मसलक है, हर एक अपना नजरिया है, हर एक अपना ख्याल है, एक तरकीब और नहीं करता और मैं माहौल को मजीद खराब नहीं करना चाहता, मगर सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने मसलक और अकीदे के मुताबिक उस गोहे का भी एहतराम करते हैं, उसकी शरीर का भी एहतराम करते हैं कि जिस पर मौला हुसैन बैठे उस अल-खुदर की अजमतों का क्या आलम होगा जिसके कंधों पर मुस्तफा पेट पर हारे सो जाते थे। हम तो नस्बतों वाले लोग हैं, हम तो हजार वाले लोग हैं, हम तो अलग रहो, याद रखिए ये अदब वाले बैत का हमें से हवे के हमने सिखाया है, इसका मैं जाता करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर सिद्दीक अकबर खड़े हुए और ये भी जहन में रखें है, मगर मैं सिद्दीक की वफाओं को कैसे छोड़कर मैं उस मकाम को छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए कि जिसको अली ने नहीं छोड़ा उसको औलाद अली कैसे छोड़ सकती है, समझ आ गई। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ा के निकले, रवायत में आता है हजरत अली मुर्तजा के हाथों में हाथ डालकर बाहर निकले मस्जिद नबवी से, अन्ना अबा बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रआ हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब यलअबु मा सिबयान, हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा कि बच्चे सामने खेल रहे हैं, सामने खेल रहे हैं मस्जिद नबवी के सैन के बाद जिस तरह हमारे मस्जिद में मदरसे के बाहर बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं में एक बच्चा है और बहुत बड़ा सच्चा है और बहुत बड़ा सुच्चा है, उसका नाम हसन इब्न अली है, इसी शौक से सुनाने लगे। हजरत सिद्दीक अकबर ने जो इमाम हसन को देखा, बच्चे तो बहुत थे, सिद्दीक अकबर की निगाहें इमाम हसन के रुखसारों पर टिक गई, अपने इमाम हसन के चेहरे पर टिक गई, सिद्दीक अकबर ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखा थोड़े वारफ्तगी में थोड़े नजरें तो हसन के चेहरे पर थी मगर हसन के रुखसारों में जमाले याद देख रहे थे, चेहरा का चेहरा नजर
उनकी सुन्नत अदा कर रहा हूँ। और अगले लफ्ज़ सुनो जो रवायत में आते हैं, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने इरशाद किया, फरमाया वल्लाहि शबीहुम बिन्नबी लैसा शबीहुम बिअली। अली के मुर्तजा पास हैं, सिद्दीक अकबर उठाकर बरफ्तगी में फेर रहे हैं, बरफ्तगी में फेर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसे सारे तकरीबन जहाँ मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मुरीद हैं या नहीं है? जहाँ जहाँ मुरीद हैं, आपको अपने शेर से मोहब्बत आई है, अपने पीर से मोहब्बत है, अपने शेर से मोहब्बत है, जरा दिल पर आदर आकर मुझे बताओ। मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, जिस पीर से आप फेर हैं, जिस पीर से कि हाथ में आपने हाथ दिया है, उसी पीर का बेटा आपके घर आए, अदब करते हैं या सद करते हैं? बोलिए, अदब करते हैं या सद करते हैं? अदब करते हैं, एहतराम करते हैं कि मुर्शिद ज्यादा आया है, मुर्शिद ज्यादा आया है, शेर का बेटा आया, मेरे पीर का बेटा आया। ये इतने 14 सदियों के बाद हम जैसे नाकिस मुरीद, हम जैसे गुनाहगार मुरीद, अगर अपने शेर की औलाद का इतना हया करते हैं, अल्लाह ही जानता है कि मुस्तफा करीम के साथ साया पाकर चलने वाले सिद्दीक अकबर मुस्तफा के शहजादों का कितना हया करते होंगे, मुस्तफा के शहजादों का कितना हया करते होंगे, उस्मान गनी मुस्तफा के शहजादों का कितना हया करते होंगे, तलाओ सुबह साबे पैगंबर मेरे नबी के शहजादों का कितना हया करते होंगे। इसलिए वो उनका मसलक इश्क रसूल था, उनका अकीदा मोहब्बत मुस्तफा था, उनका अकीदा इश्क रसूल और इत्तिबाए पैगंबर था। वो किसी का इमाम हुसैन को और हसन को रसूलुल्लाह के कंधों पर सवारी करते हुए देखा है, समझ आ रही बात है? सरकार की गोद में बैठते हुए देखा है, सरकार के सीने में सोते हुए देखा है। और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, तखल्लत अला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह के पास हाजिर हुआ, और रईतो हुसैन बिन अली, मैंने हुसैन बिन अली को देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर इमाम हुसैन बैठे हुए थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कूनी मुबारक जमीन पर लगाकर, अपने पांव मुबारक, अपने जान मुबारक जमीन पर लगाकर, जिस तरह आप बच्चे को अपनी पुश्त पर बिठाते हैं, इस तरह रसूलुल्लाह सवारी कर रहे हैं। और रईतुल हुसैन, जबकि मैंने देखा इमाम हुसैन रो रहे हैं, रसूलुल्लाह रुके, सरकार ने फरमाया मान लगा या रो नहीं जा, कि मेरे बेटे तुझे क्या हुआ है, क्यों रो रहा है, मैं तुझे सवारी कर रहा था, करा तो रहा हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया नाना जान, मुझे गिरने का डर लगता है। अगर फारूक आजम ये रवायत रो के बयान करते थे, कहते मैंने खुद इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अपने आका को देखा, कि सरकार ने अपना इमामा मुबारक उठाया और इमामा के नीचे से आपने ज़ुल्फ़ें निकाली, और ज़ुल्फ़ों के एक हिस्सा इमाम हुसैन के नन्हे से एक हाथ में पकड़ा दिया, दूसरा हिस्सा इमाम हुसैन के दूसरे हाथ में पकड़ा दिया। जो हम तसव्वुर करते हैं, जो मुराकबा करते हैं, जो तसव्वुर करते हैं, मुराकबा करते हैं, यहाँ भी तो तसव्वुर करें, यहाँ भी तो मुराकबा करें कि रसूलुल्लाह की पुश्त पे इमाम हुसैन है। और मुझे बताइए कि पुश्त से गिरने से कितनी एक चोट लगती है, मगर रसूलुल्लाह ने अपनी पुश्त से भी हुसैन को गिरना गवारा न किया, अपने पुश्त से भी उन्हें गिरना गवारा न किया, बर्दाश्त न किया। जो नबी अपनी पुश्त से हुसैन को अपने कमरे में ताशाने नबूवत में गिरना बर्दाश्त न कर सके, वो हुसैन जब करबला में तीर खाकर घोड़े से गिरा होगा, कलमे मुस्तफा पर क्या गुजरी होगी, रूहे मोहम्मद पर क्या गुजरी होगी। फारूक आजम फरमाते हैं कि मैंने जीव मंजर देखा, कि सरकार चल रहे हैं, फरमाते हुसैन खुद राजी है, हुसैन खुद राजी है, कहते आगे
इमाम हुसैन अपने नन्हे से आता से जुल्फे इस तरफ खेलते, सरकार इस तरफ मुड़ जाते, इस तरफ खेलते इस तरफ मुड़ जाते, कहते हैं सरकार हुसैन को राजी करने के लिए किस तरह सवारी करा रहे हैं। मैं यहाँ रुक कर इतना कहना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मंजर में मैंने अभी बयान किया कि इनकी आंखों में आंसू है, कई वो मैं देख रहा हूँ, वो तो वाह वाह कर रहे हैं, अच्छा अच्छा रहे हैं। आज 14 सदियों के बाद मैं बयान करूँ और आपकी आंखें तर हो जाए, जिस मौला उमर ने खुद अपनी नजरों से ये मंजर देखा होगा उनके दिल पर हुसैन की मोहब्बत का कितना असर होगा, उनके दिल में हुसैन की कितनी मोहब्बत वो हुई होगी। मैं सिद्दीक अकबर का बयान कर रहा था, उठा के फिर रहे हैं और साथ कह रहे हैं शबी उम्मे नबी नहीं सब शबी उम्मे यदी पर आया सुन लो सहाबा साथ है, सहाबा साथ है, मुस्तफा जाकर बैठो तुम्हें चुना के।
अचानक रोने की आवाज आई। सरकार ने हजरत बिलाल को बुलाया, काफिला रोक दिया। फरमाया जाओ मेरी बेटी शहजादी जिस कजावे पर बैठी है, वहां मेरे शहजादों के रोने की आवाज सुना रही है, पूछ के आओ क्यों रो रहे थे। हजरत बिलाल ने मौला कायनात ने ये मुंतजा को बताया, ज़हरा पाक के पर्दे में ये है जनाब, ज़हरा पाक के पर्दे का ये है याद था। और जहां तक लेना जो सैयदा ज़हरा के बारे में अल्लाह जुमला बोलता है, वो बतूल पर वार नहीं करता, वो रसूल पर वार करता है, वो रसूल के जिक्र पर जो वार करे। आप बताओ आगे मारे आग पर कोई वार करे, कोई ये नहीं मेरे इम्तियाज शाह साहब पर तो वार नहीं किया, मैंने तो आग को मारा, कोई मेरे दम चेहरे पर वार करे, कोई ये मैंने मेरे सैयद को तो कुछ नहीं कहा, शाह साहब को तो कुछ नहीं कहा, बस मैंने इस चेहरे को मारा। आप बताओ अगर हाथों पर वार मुझ पर वार है, हमारी तो फिक्र हमारे बुजुर्गों ने तो ये सिखाई है, हमें तो इमाम आले सुन्नत ने ये सिखाया, उस पाक की दहलीज पर उनके दरवाजे पर जो कुत्ता बैठा हुआ है उसके बारे में कहा तो इसे डर डर से सब सब से है मुझको निस्बत। आला हजरत ने फरमाया कितना बड़ा इमाम, फरमाया नहीं उस पाक से डरे कभी कर्मंदेज नहीं हो जाए, उस पाक की दहलीज और दरवाजे पर जो कुत्ता बैठा हुआ है फरमाया सबसे है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है डोरा तेरा, इस निशानी से जो सब ही नहीं आने जाते अशर तक मेरे गले में हिपटा तेरा। और फिर इमाम आले सुन्नत के हैं तेरी किस्मत की कसम खाएं, ये क्या कहता है सर, हाँ तेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हो के देता रुपये ना तेरा, वैसे भी हिंद में भी हो के देता रुपये ना तेरा। और मैं आमद रजा तेरी किस्मत की कसम को बगदाद के कुत्ते खा रहे हैं। अब अंदाजा लगाओ जो गौसे आजम 11 किश्तों साथ सैयदा ज़हरा के बेटे हैं, सियाबी नहीं है, ताबी भी नहीं है, तबा ताबी भी नहीं है, 11 किश्तों साथ सैयदा ज़हरा की नस्लें कतर से पैदा होने वाले वली अल्लाह है। अब बताओ जो इमाम अहमद रज़ा गौसे पाक के दहलीज में बैठने वाले कुत्ते का इतना याद करता है, अल्लाह ही जाने वो सैयदा ज़हरा की चादर में थी का कितना है याद करता। मेरे इमाम आले सुन्नत ने बात ही खत्म कर दी, कितना बड़ा, मैं भी करता रहता हूँ शायरी करता हूँ कुछ थोड़ा बहुत, आप तो कौन सी दिखी रहती है, बड़े बड़े लोगों ने कहा और वे बिल्कुल वाजे तो टोक ये इस पास मकाम पर ये कह रहा हूँ, बड़ी मनकमती आने वेद की है बड़ी बड़ी मेरे जैसे शायरों की माता रंग का ये भी भगवान करा चलता, ये भी बड़ा रोगा तो रोना होता है, बड़ा तोल तोल के बोलना पड़ता है। तो अपना मेरे जैसे शायरों की पूरी जिंदगी के कलाम, पूरी जिंदगी के कलाम एक पगड़े में रखो, मेरे इमाम आले सुन्नत का ये शेर सिर्फ एक पगड़े में रखो, तेरी नस्ले पाक में है सारे पड़े, तेरी नस्ले पाक में है
अगर ये कप है मेरे पास, इसमें पानी है, और मैं आपको बताऊं कि इस पानी में जमजम चीज के कपड़े मिलेंगे, इतना तो करेंगे आप इस बात। आपके पास एक सोने की शीशी है और आपको ये यकीन हो कि इसमें मदीना तैयबा की वो खाक मिली हुई है जहाँ रसूलुल्लाह के कदम रखे हुए हैं। तो करेंगे जान दे दोगे, क्योंकि आले ईमान का तरीका तो ये है कि बाद यूरोप के ईमानों में मिलेगा, पेरिस की रंगीनियों में मिलेगा। कहता है खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, अरे सुरमा है मेरी अकाबरीन ने
जाने देकर पाकिस्तान बनाया। औलिया-ए किराम ने एक फतवे जारी किए कि जो पाकिस्तान की हिमायत नहीं करेगा वो हमारी बैत से खारिज है, और ये पाकिस्तान बनाया रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, रसूलुल्लाह की असहाब की इज्जत के लिए, आले मोहम्मद की इज्जत के लिए, औलिया-ए किराम की इज्जत के लिए। और इसमें इन हालात में जब आशूरा सर पर है और मुहर्रम के दिन है, पाकिस्तान दुश्मन ताकतें, पाकिस्तान मालकुबतें फितना और शर फैलाकर पाकिस्तान में फिरकावारियत की आग लगाना चाहती हैं, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, वतन अजीज को इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और फिरकावारियत की आग में झोंकना चाहती हैं। मैं यहाँ आले सुन्नत का नुमाइंदा और खादिम होने की हैसियत से गुजारिश करता हूँ हजारों से कि आप उन लोगों पर कड़ी नजर रखें जो आले बैत इत्तेहाद के बारे में हल्का जुमले बोलते हैं, जो सहाबाए किराम के बारे में कोई हर्जा सराई करते हैं, और बिलखसूस सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना के बारे में जो एक इंतहाई खलीस घटिया और नापाक जुमले बोलकर बेअदबी और गुस्ताखी की बड़ी खतरनाक जसारत की गई है, इस चंगारी को अगर फौरन न रोका गया, फौरन इसको न बुझाया गया, अल्लाह न करे कि ये शोले जमाला न बन जाए और मुल्क में फिरका वारियत की आग न लग जाए। मैं इदारों से कहता हूँ वो उलमा जो मुल्क का दर्द रखते हैं, अमन के दाई हैं, प्यार और मोहब्बत और मरम्मत का दर्द देते हैं, ऐसे उलमा का आप इज्तिमा बुलाएं और उनकी आरा लें। पाकिस्तान में कानून मौजूद है ना, मुझे साहबों का कानून भी मौजूद है ना, मुझे अहले बैत का कानून भी मौजूद है। उस कानून के मुताबिक जिस बंदे ने भी ये गुस्ताखी और बेअदबी की है, जो भी साहबों वाले बैत के बारे में कोई हल्का जुमला तौर पर तोहीन की जिसारत करता है, उसको कानून के दायरे में लेके आए, उसके खिलाफ एफआईआर हो और वो कागजी एफआईआर ना हो, उस एफआईआर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसको कानून के दायरे में लेके आए, कानून के कटहरे में लेके आए और उसको करार वाकई सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी जसारत ना कर सके और पाकिस्तान के इस पुरअमन माहौल को खराब ना कर सके, इस अमन को देहो बाला ना कर सके। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर रसूलुल्लाह की निस्बतों पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं, आप हाथ उठाकर मेरे साथ इस बात का मुतालबा करें कि जिस नबी सिद्दीक अकबर के बारे में या बारगाह आले बैत ने तौहीन का इंतकाम किया है, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे उनको करार वाकई सजा दे के निशाने इबरत बनाए, ताकि आइंदा इस मुल्क में कोई भी ऐसी जसारत ना कर सके और मुल्क का अमन खराब ना कर सके। हाथ उठाकर अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। अल्लाह ताला आप सबको जजाए खैर अता फरमाए। मलिक साहब मुझे ख्वाहिश है, तकदीर में खत्म कर चुका हूँ, थोड़ी भाई के लिए दुआ कर लें। एक बात उनकी मैं मान लेता हूँ, एक आपको मेरी मानी मिलेगी मुख्तसर से दुआ में करता हूँ, ऐसा करके नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा वो पढ़े मैं फिर जारी सारी देगी, मैंने किसी जगह फेरन में पहुँच रहा है और मैं दुआ करके और मित्र करूँगा, आप मुझे नजर देंगे, मेरे पर कोई भी नहीं उठेगा, अदब और एहतराम से बैठेंगे। मैं कई दफ़ा कहता हूँ किसी भी आलिम सैयद या फकीर के अदब से ज़्यादा रसूलुल्लाह की महफ़िल का हुज़ूर की महफ़िल का अदब ज़्यादा है। आप तशरीफ़ रखेंगे इंशाअल्लाह, जी ये महफ़िल जारी की सारी रहेगी। अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाशते और अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी और मुहाबत जो तेरी तो से मैं कुछ चंद बातें अर्ज कर सका, इसमें किसी गलती को पाई हुई है तो मुझे माफ करना, और अच्छी बात तो यह मुझे और सारे इतना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मलिक आरिफ साहब के बरादरी ग्रामीण कदर की या अल्लाह बख्शिश मोहब्बत फरमा, उधर और ये भी याद रखें जहन में हो कि जिंदगी भी बख्शिश हो सकती है, ये भी कोई अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमाए, मोहब्बत फरमाए। या अल्लाह असीरे करबला का सदका इनके भाई को रिहाई अता फरमा, असीरे करबला का सदका इनके भाई को रिहाई अता फरमा, शुहदाए करबला का सदका इनके भाई
लड़ाई का हवा इस पूरी नेपाल में बड़े छोटे बुजुर्ग जितने लोगों की भी कोई जायज नेक दिली हाजत और ख्वाहिश है या अल्लाह शुहदाए कर्बला नसर पर उस ख्वाहिश को पूरा फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा, पाक फौज की हिफाजत फरमा और हमारे सुपुर्द की एजेंसियों की हिफाजत फरमा और उनके सदके से पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के दुश्मनों को भेज को नबूद फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।